ये ऐसी वैसी लड़की नहीं है, ये स्वरा है, हमारी वाइफ स्वरा शर्मा। सर चोरी हुई है हमारी दुकान पर, नुकसान हुआ है हमारा, जांच पड़ताल तो बनती है ना। वेदांत के सामने आए ध्वनि का सच, यहाँ पर उसको पता लग जाता है किस तरीके से भाई उसको पागल बना के उसके ऊपर डोरे डाल रही है और यहाँ पर इसके करीब आने की भी कोशिश करती है। अब ये सारी चीजें ना रुद्र के सामने भी आ गई, हमने देखा ही है कि किस तरीके से यहाँ पर वो एक्सरसाइज कर रहा होता है। खेले तुम्हारे नुकसान से ज्यादा ही। वेदांत की सुहागन भले ही तू, पर सुहागरात तो हम ही मनाएंगे। और अचानक से ध्वनि आके ना उसको डिस्टर्ब करने लगती है, उसके करीब आने की कोशिश करती है और अब यहाँ पर रुद्र को समझ में आ जाता है कि ये लड़की तो खतरा है, इसको घर वापस भेज देना चाहिए। और वो ऐसे ही सब सारे घर वालों को इकट्ठा करता है और बोलता है कि भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सुहाग पे नजर डालने की। ऐसा है ध्वनि, अब बहुत दिन तुम यहाँ पर रह ली और तुम एक काम करो, तुम ना अपने घर वापस चली जाओ। और ये सुनते ही ना उसके होश उड़ जाते हैं। पहले तो भाई वो वेदांत को बोलता है कि तुम ना ऑफिस आना शुरू करो, और तुम कहाँ भाई मटर गश्ती कर रहे हो, इतना सब कुछ टाइम वेस्ट करते हो, अब तुम बड़े हो गए हो, शादी भी हो गई है, तो थोड़ी सी जिम्मेदारी भी निभाओ अपनी और यहाँ पर ऑफिस आओ, और भाई साथ में ना स्वरा को भी लेकर आना। तो ये सुन के तो वेदांत भी एकदम शॉक हो जाता है और बोलते हैं स्वरा क्या करेगी। बोले नहीं, स्वरा को दिखाओ अपना ऑफिस और उसको लेकर आओ ऑफिस। और यहाँ पर इसी के बाद भाई ध्वनि ना अपना एक्सप्लेनेशन दे रही है बार बार कि स्वरा की बात कैसे समझ में आएगी अगर मैं चली जाऊंगी, यहाँ पर कैसे अपनी फीलिंग्स बताएगी। और यहाँ पर स्वरा भी बोल देती है कि भाई मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर लूंगी, अपने हिसाब से इन लोगों को समझा दूंगी, मेरे घर वाले ना मेरे ससुराल वाले, मैं अपनी तरीके से टैकल कर लूंगी। और ये सारी चीजें सुन के ना भाई ध्वनि को समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब कैसे जाऊं, क्योंकि वो तो जाना ही नहीं चाहती है। यहाँ पर कोयल भी भाई फंस गई है, क्योंकि कोयल और ध्वनि मिलकर ही तो ये प्लान बना रहे थे कि हमें किसी तरीके से वेदांत और स्वरा को अलग करना है, लेकिन यहाँ पर तो ये लोग दोनों खुद ही फंस गए हैं और इसको बाहर निकाल रहे हैं घर से। तो देखेंगे भाई क्या ध्वनि वाकई में अपना सामान पैक करके वापस चली जाएगी घर, क्योंकि अगर वापस चली गई तो उसका प्लान सारा बेकार हो जाएगा और यहाँ पर जो वेदांत और स्वरा है वो एक हो जाएंगे। और ये ध्वनि चाहती नहीं है, यहाँ पर ध्वनि तो चाहती है कि भाई मेरी शादी हो जाए उसे और यहाँ पर स्वरा की जान चली जाए, कुछ भी चली जाए, लेकिन स्वरा हम सबसे यहाँ से अलग हो जाए।